तो हेलो एवरीवन, दिस इज प्रभात एंड यू आर वाचिंग रियलिटी सुविधा गाइस। तो गाइस प्लीज इग्नोर कर देना मेरा हेयर स्टाइल को, क्योंकि हेलमेट पहन पहन के पूरा खराब हो गया है। एक प्रोजेक्ट का वीडियो बना रहा था तो वही आप लोग देखोगे आज, क्योंकि आज हम जाने वाले हैं सिमोको संहिता। सिमोको एक मोबाइलिटी कंपनी में था इतने दिन, बट अभी रियल स्टेट में आ गया है। तो उन्हीं का एक प्रोजेक्ट हम अभी दिखाने वाले हैं आपको। ये प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा मैं बता देता हूँ। ये प्रोजेक्ट उन लोगों के लिए है जो मतलब थोड़ा सा टाउन से तंग आ चुके हैं, थोड़ा सा अपना लेजर डे स्पेंड करना चाहते, जो थोड़ा सा टाउन से दूर प्रोजेक्ट ढूंढ रहे हैं, बट उतना भी दूर नहीं कि बहुत ज़्यादा दूर लगे। अच्छा, एक प्रोजेक्ट हम दिखाने वाले हैं, वो ये पूरा टाउनशिप प्रोजेक्ट होने वाला है। मतलब प्रोजेक्ट के अंदर ही आपको शॉपिंग मॉल से लेकर डिपार्टमेंटल स्टोर से लेकर कमर्शियल हब से लेकर जिम स्विमिंग पूल, ये तो सब मामूली से चीज़ है, पूरा आपको यहाँ पे मिलने वाला है। टोटल 140 एकड़ के ज़मीन के ऊपर ये बना हुआ है प्रोजेक्ट। मतलब ऑलमोस्ट फेज टू तक ख़त्म हो गया है, फेज थ्री का काम चल रहा है। कुछ ही 2 BHK एंड 3 BHK बाकी है। फेज वन एंड फेज टू लेकर टोटल 1200 फ्लैट ये लोग हैंड ओवर कर चुके हैं एंड 40-50 फैमिलीज भी आके रह रहे हैं अभी। इसका लोकेशन मैं मोटो व्लॉग करते करते आप लोगों को बताता रहूंगा। तो गाइस चलिए बेकार टाइम वेस्ट ना करके मोटो व्लॉगिंग सेटअप पे एंड उसके बाद पूरा लोकेशन पे आपको लेके चलते हैं एंड थोड़ा बहुत फ्लैट्स दिखाते हैं आपको। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो यस गाइस, मैं फिर से आ चुका हूँ आप लोगों के सामने मोटो व्लॉगिंग सेटअप पे एंड आपको इजी रहता है मोटो व्लॉगिंग करते करते लोकेशन को समझाने में। तो गाइस फिर से मैं लोकेशन समझाने आ गया हूँ एंड गाइस ये देखिए सामने है अगेन मिस्टर बांग्ला गेट है मेन न्यूटन पे एंड यहाँ से सिमोको संहिता प्रोजेक्ट है लगभग 11 किलोमीटर, टू बी एग्जैक्ट 11 किलोमीटर। तो चलिए देखते हैं कितना टाइम का बात है एंड क्या क्या उधर हम लोगों को दिखने को मिलता है। बेसिकली ये फ्लैट्स उन लोगों के लिए है जो मैं पहले बोल चुका हूँ, जो लोग थोड़ा सा आउट स्टेशन रहना पसंद करते हैं एंड बजट में रहना चाहते हैं। रेडी टू मूव प्रोजेक्ट मिल जाएगा या फिर 2-3 महीनों में ऐसा हैंड ओवर होने वाला है, ऐसे भी फ्लैट्स मिल जाएंगे आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ये बन रहा है। टोटल शायद 4000 फ्लैट्स बन रहा है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं बता दूंगा, मेंशन कर दूंगा अगर मैं अभी गलत बोला तो। अभी 1200 फ्लैट का तो हैंडओवर हो ही चुका है और फ्रेज 3 का काम भी शुरू हो गया है एंड कमर्शियल कॉम्प्लेक्स जो भी बन रहा है वो सब बन रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो मैं थोड़ा आप लोगों को साइट पे लेके चलता हूँ एंड साइट का रिव्यू करके देता हूँ एंड फ्लैट्स कैसा है वो भी दिखाता हूँ एंड मॉडल फ्लैट्स का भी कुछ अगर मिलता है हमको मॉडल फ्लैट तो मैं वो भी आप लोगों को दिखा दूंगा। तो अभी फिलहाल मैं हूँ विश्व बांग्ला गेट के नीचे, हमेशा जैसे फंसता हूँ ट्रैफिक में थोड़ा बहुत 20-30 सेकंड के लिए भी, यहाँ पे मतलब 20-30 सेकंड ही ट्रैफिक होता है, ज़्यादा ट्रैफिक होता नहीं है। यहाँ से आप लोगों को यूनिटेक होके एकदम हाथीशाला होके जाना पड़ेगा, हाथीशाला तक ये 6 लेन रोड है तो हाथीशाला तक हम चलते हैं फिलहाल। और आपको तो इस रोड के बारे में पता ही है, अगर नहीं पता है तो मैं फिर से एक बार रिव्यू कर देता हूँ। ये मेरे लेफ्ट साइड है टेक्नो इंडिया राजाराट टेक्नो इंडिया कैंपस, उसके बाद है ओई हॉस्पिटल एंड देन कैंसर हॉस्पिटल जो टाटा का है, टाटा मेडिकल सेंटर। तो ये सब लोकेशन से हमारा प्रोजेक्ट है लगभग 9 किलोमीटर समथिंग सिमोको संहिता। और ये है आईटी हब हमारा कैंडोर टेक स्पेस यूनिटेक गीतांजलि, लेफ्ट साइड में है हमारा टीशर्ट। तो ये रहा आईटी हब गाइस, यहाँ से लगभग आपको 7 किलोमीटर्स पड़ेगा सिमोको संहिता। तो देखते हैं एंड आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, 7 किलोमीटर्स हो सकता है बट ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला क्योंकि रास्ता पूरा खाली है। थ्री चल रहा है अभी तक, यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर है, यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर है प्रोजेक्ट। और मेरे सामने ये आईटीसी का टेक स्पेस बन रहा है, आईटीसी ग्रुप का। तो जोरों से ये सब जगह पे डेवलपमेंट चल रही है। मेरे लेफ्ट साइड पे पूरा म्यूजियम है, आर्ट म्यूजियम, ये है म्यूजियम। और देख, जैसे कि देख पा रहे पूरा खाली जगह है गाइस ये सब जगह। आज से आपको थोड़ा बहुत मतलब गाँव जैसा फील आएगा क्योंकि मैं अभी सिटी छोड़ने वाला हूँ, सिटी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है यहाँ पे और एक्शन न्यू टाउन का भी, न्यू टाउन भी ख़त्म होने वाला है, एक्शन एरिया 3 यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, रुक गया था। और मैं आपको यहाँ का और एक प्लस पॉइंट मैं बता देता हूँ,
5 किलोमीटर के अंदर, सनीता कॉम्प्लेक्स के 5 किलोमीटर के अंदर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा ये लैंड जो कि इंफोसिस का है। ये जो बड़ा ग्राउंड किया हुआ लैंड है पूरा इंफोसिस का है। देखिए गाइस पूरा ये पूरा लैंड इंफोसिस का, ये देखिए साइट फॉर इंफोसिस लिखा हुआ है। और उसी का बाजू में ये वाला प्रोजेक्ट, ये वाला लैंड विप्रो का है। तो गाइस ये दो बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पे बनने वाला है विद इन 5 किलोमीटर, ये सब बनने वाला है। एंड उसके बाद अगर आपको यहाँ पे रहना भी नहीं है तो मत रहिए, आपका यहाँ पे रेंटिंग का बिजनेस बहुत अच्छा चल जाएगा। आप फ्लैट लेके रेंट दे दीजिए, बहुत अच्छा चल जाएगा। कुछ ऐसे रोड से हम लोगों को जाना पड़ेगा अभी लोकेशन के लिए, बट ऐसा नहीं कि पूरा एकदम नैरो रोड है, चौड़ा बहुत ज़्यादा है। एंड यहाँ से मेरे को राइट लेना पड़ेगा टुवर्ड सनहाती के लिए। जहाँ से हम लोग हाईवे छोड़े वहाँ से टोटल 4.5 किलोमीटर है सनहाती के लिए। और अभी थोड़ा नैरो रोड शुरू हो गया है, मतलब इससे पहले नीचे वाले मार्केट तक तो चौड़ाई रोड था, बट अभी नैरो हो चुका है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। रोड कंडीशन ठीक ठाक ही है, रोड कंडीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा सा नैरो है। और यहाँ से आप लोगों को बस मिल जाएगी गाइस, यहाँ से बस चलती है, ऑटोज भी चलती है। यहाँ से आप लोगों को स्प्लैनेट, धर्मतला, सियालदा ये सब जगह की बस मिल जाएगी। एंड यूनिटेक का तो बस है ही, ये है केवी वाइस जो सैम्बाजर तक जाता है। और कॉम्प्लेक्स में आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला है विंगर, विंगर गाड़ी हमेशा आप लोगों के लिए रहेगी। अगर आप लोगों को मोड़ तक जाना है, मतलब वो 6 लेन हाईवे तक जहाँ से 4.5 किलोमीटर से वहाँ तक छोड़ देगी हमेशा, उसलिए कॉम्प्लेक्स से आपको विंगर मिल जाएगी। कॉम्प्लेक्स में ऑलरेडी 4 विंगर है जो हमेशा पिकअप एंड ड्रॉप करती रहेगी। तो और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग यहाँ पर रह रहे हैं और आपको ओला उबर में आना जाना रहेगा, ओला उबर का फैसिलिटीज तो है यहाँ तक, बट क्या होता है ओला उबर में आपको आउट स्टेशन करना पड़ेगा या फिर इंटरसिटी होगा, क्योंकि ये थोड़ा टाउन से दूर ही है। तो ये बात मैं आप लोगों को बता दिया। अगर इसमें और भी एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई स्ट्रीट लाइट मेरे को अभी दिख नहीं रहा है। यस, ये एक डिसएडवांटेजेस है क्योंकि ये रास्ता बहुत नैरो है एंड रात में शायद दिक्कत हो सकती है क्योंकि स्ट्रीट लाइट्स एकदम नहीं है। तो हमको अभी एक्सिट एरिया 1 छोड़े हुए 20 मिनट हो चुका है और हम अभी भी ऑन द वे हैं और ज़्यादा दूर नहीं है, शायद 1-2 मिनट में हम पहुंचने ही वाले हैं। तो लगभग पकड़ लीजिए ना 20 मिनट या 20 से 25 मिनट आपको लगेगा यहाँ पहुँचने के लिए। मैं दिखाई देता हूँ आपको कितना टाइम लग सकता है एक्चुअली। यस गाइस, पूरा विलेज वाला फील आ रहा है। और ये देखिए सामने जो बिल्डिंग्स, पता नहीं कैमरे में दिख रहा है कि नहीं, बट ये देखिए गाइस जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ये पूरा सानिता कॉम्प्लेक्स है। ये देखिए गाइस, ये है सनहिता टाउनशिप प्रोजेक्ट। यस गाइस दिस इज, तो हमको लगा लगभग वही 24 मिनट टू बी एग्जैक्ट, दिस इज सनहिता कॉम्प्लेक्स गाइस। अब देख लिए, देख लीजिए सनहिता। यस गाइस दिस इज द कॉम्प्लेक्स। एंड चलिए थोड़ा इसके अंदर जाके आप लोगों को दिखाते हैं फ्लैट्स कैसा है। ड्राइंग विद ओपन किचन, कॉमन टॉयलेट, फर्स्ट बेडरूम, अटैच बालकनी, एंड दिस इज सेकंड बेडरूम विद अटैच टॉयलेट। वेलकम भी, लिविंग प्लस किचन, अच्छा
Attached toilet. Unattached balcony. तो यस गाइस, मैं फिर से वापस न्यू टाउन एक्शन एरिया 1 में आ चुका हूँ। एंड गाइस, आप बताइए वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो गाइस प्लीज़ वीडियो को थम्स अप दीजिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइस। और बहुत मेहनत कर रहा हूँ गाइस, तो जल्दी से आप लोग सपोर्ट करिए एंड चैनल को ग्रो करिए। फ्लैट्स लेने से पहले आप लोगों को ज़्यादा घूमने की ज़रूरत नहीं है लोकेशन के आसपास, क्योंकि लोकेशन का रिव्यू मैं ही दे देता हूँ। तो गाइस प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करिए चैनल को एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज़।